नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल नेताजी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे महंगाई भत्ता यानी डीए के संबंध में और डीआर के संबंध में। आज ही न्यूज आई है, दिन में 3 बजे कैबिनेट मीटिंग हुई और कैबिनेट मीटिंग में ये जो आप लेटर देख रहे हैं, इस लेटर के द्वारा ये कह दिया गया है कि 11% का महंगाई भत्ता दे दिया गया है। यानी 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021, यानी 4, 3 और 4, यानी टोटल 11% के साथ आपका महंगाई भत्ता हो गया 28%। और 28% महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2021 से प्रभावी होगा। यानी इस लेटर के मुताबिक अगर आपको अगस्त या सितंबर में दिया जाता है ये, तो उसका एरियर भी मिलना चाहिए। जुलाई से पहले का एरियर नहीं मिलेगा, यानी 30 जून तक में एरियर नहीं मिलेगा, लेकिन 1 जुलाई से प्रभावी होने के चलते अगर ये आपको अगस्त के पे स्लिप में लगता है या सितंबर के पे स्लिप में लगता है तो आपको इसका भी एरियर मिलेगा, बशर्ते पिछले 18 महीने का जो एरियर है वो नहीं मिलेगा। कहा यह जा रहा है कि इस घोषणा के बाद सरकार के ऊपर 34,401 यानी 34,401 करोड़ रुपीज का वजन पड़ने वाला है, बोझ पड़ने वाला है, क्योंकि उन्होंने लगभग 48,50,000 केंद्रीय कर्मचारी और 65,26,000 यानी लगभग 66 लाख पेंशनर्स को जो ये राहत दी है डीए और डीआर के संबंध में। तो और देखिएगा, कल से न्यूज में ये भी आने लगेगा कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर हो गए मालामाल। तो ऐसे न्यूज तो खैर देखने की हमें आदत पड़ गई है, पिछले 18 महीनों से हम सुने आ रहे हैं खुशखबरी और मालामाल हम होते आ रहे हैं। लेकिन एक सोचने की बात है कि अगर मैं कैलकुलेट करूं 18,000 के बेसिक पे, 1980 रुपए महीने के टोटल, ज्यादा ज्यादा पकड़िए 2,024,000 रुपए साल के बढ़ रहे हैं। यानी अगर उनकी सैलरी 18,000 बेसिक वाले की 30,000 होगी, उसकी 25,000, 3 लाख पे 24,000 का कितना परसेंट ग्रोथ 1.5 साल में हुआ, ये आप खुद ही कैलकुलेट करिए। पिछले वीडियोज में मैंने कर दिया हुआ है। तो जहां 30% का ग्रोथ मिलता है प्राइवेट कर्मचारी को, महंगाई भत्ता इतनी बढ़, महंगाई इतना बढ़ गया है कि पेट्रोल के भाव आप देख ही रहे हैं, कहना नहीं है, सेंचुरी पे सेंचुरी लगा रही है, डीजल सेंचुरी के करीब पहुंच गई है, दाल जो है डबल सेंचुरी मार चुकी है सचिन के जैसे। और यहां पे है कि आपको 5% का ग्रोथ नहीं मिला, केंद्रीय कर्मचारी हो गए मालामाल। भाई साहब, उनको बिठा के बात करिएगा, अच्छे से समझाइएगा कैलकुलेशन कि मंथली या ईयरली कितना ग्रोथ हुआ है। एनीवेज, ये लेटर मैं पुट अप कर रहा हूं जो कहीं से मुझे मिला है, उसके साथ मैं न्यूज भी दिखा रहा हूं कि 11% के साथ 28% का ग्रोथ हुआ आपके डीए में। उसके साथ क्या होगा, उसके साथ साथ आपको 3% का ग्रोथ एक्स्ट्रा मिल जाएगा। 3% मिलेगा मतलब सिटी वाइज होगा। कैसा है कि जैसे 25% से डीए आपका बढ़ गया तो 8% की सिटी में रहने वाले एचआरए का 9% यानी 1% ग्रोथ। अगर वो 16% वाले सिटी बी क्लास में रह रहे हैं तो उनका 18% एचआरए हो जाएगा, और जो 24% वाले सिटी में रह रहे हैं ए क्लास सिटी में, उसका 27% एचआरए हो जाएगा। तो उसका भी एक लेटर का मैं फॉर्मेट पुट अप कर रहा हूं, साइड में आप देखते जाइएगा, अगर किसी को रिक्वायर्ड होगा तो मैं भेज भी दूंगा। तो आपका एचआरए 3%, जुलाई का इंक्रीमेंट 3% और 11% डीए हो गया आप मालामाल। तो एंजॉय करिए इस न्यूज के साथ और वेट करिए कि कब आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है ये मालामाल। तब तक न्यूज वाले आपको क्रेडिट करते रहेंगे, मालामाल करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।